फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन जो होती है वो हमने देखी है, उस पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 होता है। तो रूट टू नंबर लाइन पे हम कहाँ लोकेट करेंगे वो सीखना है। तो रूट टू को लोकेट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर कहीं पर भी पहले एक जीरो रिप्रेजेंट कर देना है। क्या कर देना है? जीरो। तो ये जीरो नंबर लाइन पे इस साइड पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इस साइड नेगेटिव नंबर आएंगे। रूट टू पॉजिटिव है तो वो इस साइड आएगा, राइट। तो ये जीरो यहाँ से ओरिजिन है, राइट, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नाम क्या दे दिया, वो पॉइंट का नाम ओ। ये जीरो रिप्रेजेंट करता है ओ। अब जब हमें रूट टू लोकेट करना है तो सबसे पहले रूट टू लोकेट करना है तो याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। 1 सेंटीमीटर पे ये 1 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पे ये हमने लिया 1। क्या लिया? 1। ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। फिर 3। पहले 1 सेंटीमीटर लेना है और 1 सेंटीमीटर से ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब 1 सेंटीमीटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री बनाए ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री एंगल बनाए ऐसे लाइन बनानी है। तो ये जीरो यहाँ पे रखा है 1, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री जाएगा, राइट, ये रखा ऐसे तो ये 90 डिग्री ऐसे जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ पॉइंट आता है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, ये परपेंडिकुलर वो 1 सेंटीमीटर की ही लेनी है। कितनी लेनी है? तो ये 1 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ होती है, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, देखो, राइट। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब यहाँ से इसको ये ए 1 वाला जो पॉइंट था उसे ए नाम दिया और यहाँ पे बी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? बी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन गया, राइट। अब यहाँ से इसको ऐसे ट्रायंगल बना देना है, ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, एक ओ ए, ये ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू क्या है? 1। फिर उसके बाद ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 1। ए बी इज इक्वल टू भी क्या दिया है? 1। फिर उसके बाद थर्ड साइड, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो उसका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, मतलब ओ बी, वो हमें नहीं दिया है। तो ये हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड कौन सी मेथड से करना है? तो पाइथागोरस से। कल हमने जो पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, उसका पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट था वो यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90। जब भी एंगल ए 90 हो तो उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब पाइथागोरस की जो फॉर्मूला कल हम सीखे थे वही यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम क्या सीखे थे कि जो हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? ओबी। ओबी स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो बाकी वाली 2 साइड्स का स्क्वेयर और उनका सम, मतलब प्लस करना है। तो ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा ओ ए और ए बी, ये हाइपोटेन्यूस। अब ओ बी तो हमें फाइंड करना है, राइट, ये हमें दिया नहीं है ये साइड का मेजरमेंट। और ये क्या दिया है? 1 होल स्क्वेयर। ए बी भी 1 है, 1 होल स्क्वेयर, ये 1, ये 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट, तो रूट 2, मतलब ओ बी इज इक्वल टू क्या आया? रूट 2। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आया? रूट 2। ओ बी इज इक्वल टू रूट 2। हमें ये रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कहाँ करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है, ये यहाँ 0 था, राइट, उससे ये बी तक का डिस्टेंस ले लिया, ऐसे राउंडर से मेजर करके ये रेडियस ले लिया। देखो ये हो गया रेडियस, ये ओ बी जितना, राइट।
अब ये OB जितना रेडियस मतलब ये कितना हो गया रूट टू, तो इसको यहाँ पे सेंटर लेना है और यहाँ से ऐसे एक आर्क देना है। ऐसे देखो ये आर्क ऐसे दे दिया, ये आर्क जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा रूट टू, क्या हो जाएगा रूट टू। इस पॉइंट को नाम P दे देते हैं कि P रिप्रेजेंट्स रूट टू। तो ये नंबर लाइन से रूट टू मिल गया, राइट, ये रूट टू मिल गया। अब उसके बाद अगर रूट थ्री करना है तो रूट थ्री करना है तो क्या करोगे, तो रूट थ्री करना है तो सिंपल जो मेथड बताऊंगा मैं, याद रखना कि रूट थ्री करना है हमें, तो रूट थ्री के लिए जो हमने रूट टू फाइंड किया, रूट टू फाइंड किया ना, ये वहां से एक परपेंडिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ना उतनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये पी था, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना हुआ रूट टू, कितना हुआ रूट टू। और ये पी से यहाँ इसको नाम दे देते सी, क्या नाम दे देते सी। तो ये सी से पी ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये तो 1 हो गया, कितना हुआ 1। अब इसका भी एक ट्रायंगल बनाना है, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा देखो, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और यहाँ भी ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल, अब दूसरा जो ट्रायंगल हमने बनाया उसका कैलकुलेशन करते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बना, तो ये OPC, OPC एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। अब P इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, OC, कौन सी हो गई OC, OC क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे पाइथागोरस करो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी, तो हाइपोटेन्यूस कौन सा है ये OC, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये ट्रायंगल की दो साइड लेनी है, तो एक साइड कौन सी है OP, OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, राइट। अब OC तो हमारे पास नहीं है, तो OP दिया है, OP यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रूट टू आया ना, तो ये कितना हुआ रूट टू, कितना हुआ रूट टू स्क्वायर प्लस PC, तो हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये रहा 1 सेंटीमीटर, राइट, तो 1 स्क्वायर, राइट। अब रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू टू होता है, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू तो टू प्लस 1, ये OC स्क्वायर हो गया, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, क्या मिलेगा 2 प्लस 1 3, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आया, तो OC इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा रूट 3, तो ये रूट 3 मिल गया, राइट। तो ये रूट 3 कौन है OC, तो यहाँ ये जो लाइन है ना ये रूट 3 है, कितनी है रूट 3, तो ये रूट 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये रूट 3 तक का रेडियस लेना है, इतना ये रूट 3 यहाँ तक हो गए थे। अब यहाँ से एक आर्क देना है ऐसे, ये आर्क देंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिला हमें यहाँ पी के बाद क्या मिलेगा डी नाम दे देते, ये डी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रूट 3, क्या रिप्रेजेंट करता है रूट 3, राइट। तो ये नंबर लाइन में रूट टू और रूट थ्री कैसे लोकेट करना है, तो देखो ये डायग्राम जो हमने बनाया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब कि ये छोटा है, तो हम इसको थोड़ा इजी और अच्छा दिखे ऐसा करना है, तो इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर लिया है 1 सेंटीमीटर, उसकी जगह पे 2 सेंटीमीटर ले सकते हो और मेजर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 काउंट करना है, वो भी कर सकते हैं। हम जब एक्सरसाइज में मैं तुम्हें कराऊंगा तो उसमें यूनिट चेंज करके कराऊंगा, इससे डायग्राम थोड़ा बड़ा और इजी हो जाएगा, अभी यही याद रखना है तुम्हें, समझे। तो ये नंबर लाइन पे रूट टू और रूट थ्री लोकेट करो तो ऐसे आएगा,
रूट थ्री के बाद अगर रूट फोर करना है तो फिर से यहाँ 1 सेंटीमीटर वाली लाइन बना के तीसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। थर्ड ट्राइंगल में से फिर ऐसे आर्क मिलेगा, तो रूट फोर भी रूट फाइव ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ही हमें कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की फॉर्मूला इसीलिए मैंने बोला था कि 25 टाइम लिख के लर्न करनी है, कि हर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस कैसे होता है वो याद रखना है, ठीक है। अब हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, राइट। तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने सीखे थे पहले क्या था, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर आया, और सारे नंबर्स मिक्स होके क्या बनता है, रियल नंबर। मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है उसे रियल नंबर बोल सकते हैं, तो राइट, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर में आते हैं, तो इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, ट्रू, कैसा होगा, ट्रू। इसको जस्टिफाई करना है तो लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंटेन ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन रियल नंबर, ऐसे ही लिख सकते हो, रियल नंबर कंटेन ऑल इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ये नंबर याद रखना है बस, कि ट्रू क्यों है, तो जितने भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर कंटेन करता है, इरेशनल भी और रेशनल भी, दोनों नंबर्स इसमें आते हैं, तो जो इरेशनल है उसे हम रियल नंबर बोल सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद सेकंड वाला दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है, जितने भी पॉइंट्स है, नंबर लाइन अभी हमने देखी कि नंबर लाइन ऐसे होती है, समझो वहाँ पे यहाँ 0, 1, 2, 3, -1, -2 ऐसे होता है, ये रफली मैं तुम्हें बताऊँगा, राइट। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे उसे हम रूट एम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम, जितने भी पॉइंट है वो सब ये फॉर्म में होते हैं, ऐसे दिए हैं। और वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ये एम नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मतलब तो उसमें कौन सा है, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव तो आएंगे नहीं, तो नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी होते, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स मतलब रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये भी लिख सकते हो कि द नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन आर नेवर ऑन द, नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। ये रीजन है इसका कि नेगेटिव नंबर को तो रूट एम के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, राइट। अब उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है जिसमें इरेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, सब भी आ जाते हैं, राइट। तो रियल नंबर को, जितने भी रियल नंबर है वो सब इरेशनल थोड़ी होते हैं, क्योंकि इरेशनल भी होता है उसमें, रेशनल भी होता है, सभी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अभी क्यों लिखना है इसमें, तो द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सो एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यही लिखना है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कंटेन रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बोथ नंबर्स, राइट। इसमें दोनों नंबर्स आते हैं,
तो रियल नंबर को हम इरेशनल नहीं बोल सकते, उसमें रेशनल भी होता है, तो उससे रेशनल इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि हमें जो ऑर्डर दिया है वो याद रखना है कि सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर, वो किसका सबसेट है, होल नंबर, और वो किसका सबसेट है, इंटीजर, और वो किसका सबसेट है, रेशनल नंबर, और उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर के पहले आएगा इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद आएगा रेशनल नंबर। तो जैसे इस साइड से इस साइड जाओ तो ट्रू होता है, इस साइड से इस जाओ तो फॉल्स होता है। जैसे ये स्टेटमेंट था कि एवरी रियल नंबर, तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो ये लेफ्ट साइड में आए तो फॉल्स, राइट। पहले भी मैंने बताया था कि ये याद रखना, उसमें यहाँ तक मैंने ऑर्डर बताया था, अभी ये इरेशनल और रेशनल रियल नंबर ये ऐड कर दिया। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही मिल जाएगा। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो वो ट्रू हो गया। इस साइड से इस साइड जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये ऑर्डर फिर से तुम्हें लर्न करना है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर लर्न कर देना है ट्रू फॉल्स के लिए तो खास, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन टू बहुत छोटा है, ये भी देखो सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, ये सम नहीं है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इरेशनल क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट, वो सबका स्क्वायर रूट इरेशनल है। क्वेश्चन पूछा है कि यस और नो इरेशनल है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल दो जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो, यहाँ पे इरेशनल दिया है, तो सारे नंबर्स का रूट तो स्क्वायर इरेशनल नहीं होगा, राइट। हमें पता है कि जैसे रूट फोर है, रूट फोर तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर मतलब टू, तो ये तो रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से ये पता चलता है, तो उसका आंसर पहले तो ये आएगा कि नो, क्या आएगा, नो, कि वो इरेशनल नहीं है, स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, राइट। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या होगा, ऑलवेज रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल लिखना है। तो एग्जांपल क्या होगा कि समझो कि अभी एक हमने लिखा ऊपर, रूट फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, टू, तो ये भी रेशनल है। रूट नाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव फाइव जा 25, तो रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये तीनों तो कैसे हो गए, रेशनल। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है, राइट। तो ये उसका रीजन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे रूट 49, तो 7 7 जा 49, तो उसका भी आंसर रेशनल हो गया, राइट। तो आज यहाँ तक याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, ट्रू फॉल्स। एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट थियरी ये आगे सम में बहुत काम आएगी। इसमें जो कुछ हम सीखे वो सारे पॉइंट्स तुम्हें लर्न कर देने, वो याद रखने हैं, ठीक है। आगे नंबर लाइन है रूट फाइव वाली, कल वो रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे, ठीक है।